ये मैं खाऊंगी तुम्हें पूरा कहीं और चले जाओ। आज हम लोग करने वाले हैं 6 आवर्स के लिए रेड फूड चैलेंज। तो दिस इज कॉल्ड रंगनाज लव। गाइस गुड मॉर्निंग। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो में क्या होगा आज के वीडियो में। विदाउट फॉर एनी डिले चलो शुरू करा जा। आज मैं करने वाली हूँ रेड फूड चैलेंज और उसमें द फर्स्ट आइटम इज मैं लाई हूँ जो कि है मॉर्निंग का ये। सो गाइस माय फर्स्ट आइटम इज मुझे मिल गया है। इस मेरे दीदी को 6 आवर्स के अंदर में 10 रेड फूड खाना पड़ेगा। तो अभी 9:20 हुआ है। अभी तक आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो एक जल्दी जल्दी से रेड हार्ड कमेंट में बिठा दो। आई मीन जो फर्स्ट आइटम है मुझे 10 आइटम खाना है तो उसमें जो फर्स्ट आइटम है उसको मैं मेरे को मिल गया है वो है चाय। तो मैं वो पी लेती हूँ। मेरा सेकेंड आइटम लेके मैं आती हूँ। सो तब तक के लिए बजे है 9:29। सो मैं मेरा नेक्स्ट फूड आइटम को लेके जल्दी जल्दी आती हूँ और तब तक के लिए आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा वाला रेड फ्रूट पसंद है। एक जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा सेकेंड फूड आइटम मैं लेके आ गई हूँ। गेस व्हाट कि क्या है वो। एक फ्रूट है समर सीजन में मिलता है। क्या है वो है वाटरमेलन। एक बात एक चीज दिखाती हूँ मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ ठीक है और वहां पे देखो एक लड़की बैठी हुई है मेरे खाने पे ना मेरे खाने पे नजर डाल रही है। आओ थोड़ा तो गाइस रेड फूड चैलेंज कर रही हूँ तो रेड ड्रेस तो बनता है। तो मेरे पास ये वाला रेड टॉप था जो मैंने पहन लिया है। अभी बजे है 11:02। इस बीच में मैं बहुत सारा काम कर रही थी जो घर का काम होता है वो मेरा हो गया है। तो मेरा थर्ड आइटम नंबर इज रेड फूड इज केचप। तो चलो थर्ड भी जल्दी जल्दी से पूरा कर लेते हैं। सो गाइस ये देखो अभी भी हमें 7 आइटम खाना है तो उसके लिए पेट में तो जगह बचानी पड़ेगी ना। तो अभी मैं रेडी होंगी बाहर जाऊंगी। बाहर से मुझे देखना है कि मुझे क्या क्या मिलता है एज अ रेड आइटम फूड। तो इन 6 आवर्स में मुझे कंप्लीट करना है और मैं 9 से स्टार्ट किया था। अभी 9, 10, 11 3 आवर्स तो हो ही चुका है। अब बाकी के 3 आवर्स बचे हुए हैं मेरे हाथ में। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग मैं जल्दी से रेडी होके फिर बाहर निकलती हूँ और क्या करती हूँ आपको दिखाऊंगी। सो मैं आऊँगी नंबर 4 वाला आइटम लेके। नंबर 4 फूड चैलेंज तो मैं कर ही रही हूँ। अभी थोड़ा सा मैं रेड टाइप का कोई मेकअप लुक भी कर लेती हूँ छोटू सा। तो मैंने यहाँ पे एरोमा मैजिक का ये जो क्रीम है लिया है। बट हाँ ये क्रीम रेड कलर नहीं है बट ये तो रेड कलर है ना तो आई कैन यूज रेड कलर की लिपस्टिक है उससे मैं ट्राई करूंगी थोड़ा आईलाइनर पहनने की। तो चलो तो अभी इससे हम पहनेंगे लिपस्टिक क्योंकि ये लिपस्टिक है। जो मेकअप लुक है वो तो पूरा रेडी है। आईलाइनर ठीक से समझ में नहीं आ रहा है लाइक कैमरा में बट हल्का सा ही मैंने लगाया ज़्यादा नहीं लगाया। तो चलो हमारा 4 नंबर आइटम खाने का क्या होता है बाहर जाके हम लोग आपसे मिलते हैं। पहली बार खुद से ऐसे मैंने ब्रेड बनाया है। मैं इससे पहले मतलब बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ बट नहीं हुआ है पता नहीं क्यों बट आज हो गया। मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे ऐसे मतलब बाल पकड़ के करते हैं ना वो वाला हेयर स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो चलो निकलते हैं। और ये देखो हमारी बहन को ये भी आज रेड पहनी है तो हम दोनों भी निकल रहे हैं बहुत टाइम से बोल रहे थे। चलो फाइनली हम लोग जा रहे हैं। फाइनली ये महारानी रेडी हो गई
बहुत तपस्या के बाद। तो रेड फूड, चलो देखते हैं कि रेड फूड में क्या क्या है। एटीएम में क्या करने, लूटने नहीं, एटीएम को लूटने नहीं आए हैं, मनी नहीं है तो मनी विथड्रॉल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? तो अब हम आ गए हैं वहाँ जो दिन में, देखते हैं क्या मिलता है। एक तो मेरे दिमाग में आया है जो लेस का रेड कलर का पैकेट आता है ना वो। तो जैसे कि आप देख रहे हो एक शॉप में मैं आ चुकी हूँ और एक बावली जैम टाइप का रेड लिया है और ये एक रेड वेलवेट केक है। मैं रेड पार्ट ही खाऊंगी और जेम्स का भी मुझे नहीं पता क्या होने वाला है मेरे साथ। सो लेट्स सी क्या होता है। जो जो कलर नहीं होगा वो मैं खाऊंगी। बहुत ये जो बावली है ये मेरा 4 नंबर आइटम है। तो एक बार मैं बोलना चाहूँगी, लास्ट में ना मैं भूल गई और मैं भी थोड़ा सा खा रही थी, खिला भी रही थी और ये 5th नंबर है, इसको मैं भूल ही गई बिल्कुल। तो ये केक जो है इसका जो रेड पार्ट है मैं सिर्फ और सिर्फ वो रेड पार्ट ही खाऊंगी और बाकी का जो बचेगा मैं अपनी बहन को खिला दूंगी। तो अभी है जेम्स की बारी। तो जेम्स में पहले जो पैकेट है वो उसको मैंने ठीक से खोला और ये देखो क्या हुआ। रेड इसमें से अगर नहीं निकला है, रुक जाओ पहले, मेरे को देखने तो दो। इसमें घोटाला हो गया, एक भी रेड कलर का जेम्स नहीं मिला, सब कलरिंग है, ये सब मेरा है। Oh my god. शॉप में घुस गई और बहुत सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए कोशिश कर रही थी मैं, बट कुछ भी नहीं मिला। और उसके बाद क्या हुआ देखो। सो फाइनली थिंग मिल गया है एक शॉप में, तो देखते हैं। इसको मैं बोल रही हूँ कि फ्रंट कैमरा से लो, ये बैक कैमरा पे जाकर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा आया है फुटेज या इतना बकवास करती हो कि मेरा पैसा चला गया। ये लेंगे हम, मिला है जेली, मतलब जस्ट जेली का जेली मिला है। ये कह रही है वो उसका रंग पिंक है, आप कहते हैं बुद्धू नहीं, वो डार्क वाला है ना तो रेडिश में आता है, तो इसलिए ये हम खाएंगे। मैं क्या देखूंगी, मैं तो दूसरे वाला खा रहा हूँ। ये देखो डार्क वाला रेड है। कैमरा पकड़ते थक गई यार तू। कितना नंबर आइटम हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इधर घूमो तो खिला भी देना पड़ता है। चलो अभी ऑटो में बैठेंगे या चल के जाएंगे। चलो दूसरे शॉप की तरफ, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ चीजें लेना हो गया है। सो गाइस बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कलेक्ट कर ली है। लोग ऐसे देख रहे हैं ना, जब मैं एकदम पहले से स्टार्ट की थी तब मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता था, बट नाउ इट्स ओके फॉर मी एंड ऑब्वियसली फॉर शी। वाओ यहाँ का अच्छा लग रहा है देख के। तो पता नहीं ये कितना नंबर आइटम है। लॉल, ओह माय गॉड, नहीं होगा, हेल्प करो थोड़ा सा। बाद में जाके मैं देखूंगी क्योंकि मुझे ना मतलब टाइम कितना हुआ है, मैं मम्मी का फ़ोन नहीं लाई अभी, 12:15 है, 1 बजे तक मुझे कंप्लीट करना है। और ये है दूसरा लेस, तो इसको भी मैं खा लेती हूँ।
ला दो। अरे खाबो ना मेरे को बोल रहा है एप्पल खाने को, मेरे को एप्पल नहीं खाना है। और एप्पल नो करके देखो, देख लो गाइस, अभी मेरा दो ही आइटम बचा हुआ है, ठीक है, और एक बजने को है, एक भी बच गए हैं। बोलने दो थोड़ा सा मेरे को, हर बार ऐसा ही कर रहा है। मैं कितनी बार बोल रही हूँ ऑफ कैमरा में, थोड़ा सा गिन लो, मैं वरना भूल जाऊंगी। ये गिन नहीं रहा है इसको। मैं अभी मेरे को दिमाग में खुरोपति आइडिया है कि रेड कलर का जो भी फूल दिखेगा मैं खा लूंगी। क्या करूंगी, वरना मेरे को मिल नहीं रहा है कुछ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने खा ही चुकी हूँ, और एक बजने को है अभी, मतलब नहीं मिल रहा है कुछ। हम लोग बहुत दिन बाद ऐसे चल के जा रहे हैं, बहुत बाद हम लोग इस ये जो गली है ना, इसमें हम लोग आए हैं, और ये जो गली है इसमें बहुत ज़्यादा हवा है, इसीलिए कोई इसको हवा गली भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो निब्बा निब्बीज है वो लोग आते हैं क्या करने, आप लोग समझ लो। बेसी पैकेट तुम ही बेसी पैकेट। चल ही गया कि मेरे को सिर्फ एक आइटम खाने के लिए बचा है, ठीक है। मेरी बहन तो गिन ही नहीं रहा था, इसलिए मैं भी भूल गई, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज मैं खाई हूँ, और लास्ट में उसने मेरे को मिर्ची भी खिलाई है। तो वो सारी भी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। ये देखो, पहले मैं पापड़ खाऊंगी, उसके बाद जली खाऊंगी, उसके फिर बाद फिर भी मैं गिनते गिनते भूल ही जाती हूँ कि मैंने केक भी खाया था, ये वो बहुत सारा कुछ खाए है, सब कुछ मैं भूल गई। क्योंकि मेरी बहन को मैं कितनी बार बोलूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं खा चुकी थी ना, तो मैं भूल ही गई कि क्या खाना है, क्या खाना बाकी है, कितना आइटम्स बाकी है। तो मतलब फिर देखो इन तक वीडियो को, आप लोगों को शायद ही बहुत ज़्यादा फनी लगेगा, बट क्या करूँ, मुझे भी ये वीडियो बनाते बनाते बहुत ज़्यादा फनी लग ही रहा था, बहुत मज़ा भी आ रहा था। बट लास्ट में उसने मेरे को रेड कलर की जो मिर्ची होता है ना, सूखा मिर्ची, वो मेरे को खिला दिया उसने। थोड़ा थोड़ा सा ही खाया है, ये मैं खाऊंगी तो मैं पूरा कहीं और चले जाऊंगी, भागो यहाँ से, नहीं तो और पकड़ा दूंगी, थप्पड़ लगा दूंगी मैं। खाओ उतना नहीं होगा, और भी से हो जाएगा। नहीं, तुम खाओ पहले, तुम्हारा चैलेंज है, तुम करो ना। कैसे देख रहे हो, थप्पड़ लगवाऊंगी तो मैं इतना सा ही खाऊंगी, ठीक है। नहीं, तुम ज्यादा मानी बको, मैं ये लिया है ए बस टाइम खत्म। नहीं पूरा खाओ, नहीं गाइस, मुझे चिकन खाना है। हां गिर गए, मुझे बहुत ज्यादा मिर्च लग गया, आप लोग देख रहे हो चमका आ गया। नहीं है इसको तो पूरा खाया है, इसका मतलब उसको भी पूरा खाना पड़ेगा। देखो गाइस, एक बजने से दो मिनट पहले मैंने मेरा चैनल फिनिश कर लिया है, जल्दी आके सब्सक्राइब कर दो। ब्रिलियंट, मैं तुमको बाद में दिखाऊंगी, मेरे को चीनी इतना बड़ा चीनी ला के करवा दिया और बोला कि सब खा लो। नो नो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, शेयर करो, और हमको बहुत सारा प्यार दो। बाय गाइस।